साथियों, मुंबई को तो सपनों का शहर कहा जाता है। यहां मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए सबसे बड़ा सपना क्या है? एक ऐसा घर जिसे वे अपना कह सके। पहले स्थिति ये थी कि ज्यादातर लोगों के लिए मुंबई में अपना घर होना बहुत बड़ा सपना होता। जो लोग हिम्मत करके कहीं निवेश भी करते थे, उन्हें रियल एस्टेट सेक्टर के माफियाओं के खिलाफ कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं था। भाई और बहनों, रियल एस्टेट सेक्टर में सैकड़ों कई कंपनियां और फर्म है, उनमें से कई लगातार अच्छा भी काम कर रही थी, पर कुछ ऐसी भी थी जो होम बायर के साथ विश्वासघात करती थी। उन बिल्डर माफियाओं को कोई डर नहीं था, लेकिन लोग हमेशा इस डर के साए में रहते थे कि कहीं उनकी जिंदगी भर की कमाई डूब तो नहीं जाएगी। ये स्थिति दशकों से चली आ रही थी, लेकिन इसे बदलने की हिम्मत दिखाई हमारी सरकार ने। फ्लैट खरीदने वालों को धोखा न मिले, इसके लिए हम रियल एस्टेट सेक्टर को रेरा के माध्यम से कानूनी व्यवस्था के तहत लाए और होम बायर्स की आवाज बुलंद की। शहरी गरीबों को भी सस्ते कीमतों पर घर मिल सके, इसके लिए हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों घर भी दिए और लाखों का निर्माण चालू है। मध्यम वर्ग भी अपने घर के सपने को साकार कर सके, इसके लिए ब्याज में सब्सिडी भी दी जा रही है। इस वजह से एक घर खरीदने पर 5 से 6 लाख रुपए तक की बचत हो रही है।